जिले बरताह की जहां पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान फिर से सामने आया। कार सेवकों पर हुई फायरिंग पर स्वामी प्रसाद ने कहा, कार सेवकों पर फायरिंग जायज थी, ये बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तत्कालीन सरकार ने कर्तव्य निभाया था, कानून और संविधान की रक्षा के लिए फायरिंग की थी, अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। तो ये एक बार फिर से बेतुका बयान सामने आया है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अब कार सेवकों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए।